नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं बीजेपी की बड़ी खबर के साथ। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बैठक में मंथन हुआ, प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई और राय शुमारी की कोशिश की गई। कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगेगी। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भी शामिल रहे और साथ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे और साथ में लोकसभा चुनाव प्रभारी भी बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी थे। भोपाल से वीडी शर्मा का नाम सबसे ऊपर रहा। रायशुमारी में आए नामों पर इस बैठक में चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक को लेकर। ताजा अपडेट क्या है वो भी आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बैठक का मेन एजेंडा रहा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर किसे मैदान में कहां से उतारा जाए, उन तमाम नामों को लेकर चर्चा हुई है। राय शुमारी की कोशिश की गई है। हालांकि जो मोहर है नामों पर, जो फाइनल नाम है, वो कोर ग्रुप की बैठक में ही हो पाएंगे। बैठक में तमाम दिग्गज शामिल रहे, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें। ठीक है, बीजेपी के मंथन के बाद अब बात करते हैं कमलनाथ के खंडन की। बीजेपी में जाने की अटकलों पर कमलनाथ ने पहली बार सफाई दी। कहा कि ये सब मीडिया वालों की वजह से हो रहा है, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। आप ही अटकलें लगाते हो और फिर सवाल पूछते हो। और तो कोई क्या नहीं रहा। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? नहीं, कभी नहीं सुनी। कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग ही चलाते हो और तुम मेरे से पूछते हो? तुम लोग चलाना बंद करो। आप सबसे पहले खंडन की सभी खंडन आप लोग करिए। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिले के कलेक्टरों को खराब हुई फसलों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं और कहा है किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। खराब फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही सर्वे की मॉनिटरिंग के लिए सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को कहा गया है। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दी। कल हुए ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से होने वाली फसल हानि का सर्वे हेतु समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं और उनको ये स्पष्ट है कि कोई भी किसान जो प्रभावित हुआ है उसका सर्वे बहुत गंभीरता से के साथ किया जाए और जो भी मुआवजे का प्रावधान है उनको राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला है। तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं जिससे तापमान में गिरावट हुई है। तो वहीं बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। कहां कहां मौसम ने अपने ये तेवर दिखाए हैं वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। भोपाल, खरगोन, उज्जैन और शाजापुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तेज बारिश हुई, उसके बाद ओलावृष्टि हुई और ओले गिरने से किसानों के माथे की लकीरें बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि ये ओलावृष्टि, ये तेज बारिश उनकी खड़ी फसलों को चौपट कर रही है। तो मौसम के इस बदले मिजाज के चलते ही भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का विमान लैंड नहीं हो पाया। खराब मौसम की वजह से विमान को उतरने की परमिशन नहीं मिली और ऐसे में केंद्रीय मंत्री को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। मौसम खराब था, ऐसे में जब पायलट ने परमिशन चाही यहां पर प्लेन लैंड करने की तो परमिशन नहीं मिल पाई और इस वजह से ही केंद्रीय मंत्री को वापस लौटना पड़ा दिल्ली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश के मुरैना में
प्रवेश करेगी। उज्जैन में राहुल महाकाल मंदिर में दर्शन भी करेंगे। राहुल की यात्रा पर अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 2 मार्च से शुरू होने जा रही है। राहुल की यात्रा को एमपी में भव्य बनाने के लिए कांग्रेस जुट गई है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मुरैना पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जीतू पटवारी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस दौरान जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। मैं मानता हूं ग्वालियर चंबल संभाग की माटी ये अद्भुत अकल्पनीय स्वागत सत्कार और साहस के लिए जानी जाती है। बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पर्ची के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि क्राइम पे, करप्शन पे और कर्ज पे अंकुश लगाए। 5 मार्च को राहुल गांधी यात्रा के दौरान उज्जैन पहुंचेंगे और इस दौरान वो महाकाल का दर्शन भी करेंगे। राहुल के महाकाल दर्शन और यात्रा को लेकर बीजेपी हमलावर है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अब भगवान और जनता दोनों की याद आ रही है। राहुल के महाकाल दर्शन को इंदर सिंह परमार ने नौटंकी करार दिया, साथ ही लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा भी ठोक दिया। देखिए, कांग्रेस को अब सब याद आ रहे हैं। कांग्रेस को भगवान भी याद आ रहे हैं, जनता भी याद आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान के बगैर किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस एक प्रकार की नौटंकी के साथ में भगवान के यहाँ भी जाने की कोशिश कर रही, जनता के यहाँ भी जाने की कोशिश। भगवान भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि हमारा भला नहीं होने वाला, भगवान उनका भला नहीं करने वाले हैं। ये राहुल गांधी स्वयं जानते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम करने का उनका अधिकार वो करते रहे। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, ऐसे में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी जीत की उम्मीद कर रही है। राहुल की यात्रा मुरैना से शुरू हो रही है, ऐसे में यात्रा के असर को लेकर बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बनाई है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा मुरैना में हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं। कहते हैं सियासत में इत्तेफाक कम ही होते हैं, लेकिन रणनीति ज्यादा असरदार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात दमोह की, जहां ट्राईसाइकिल बांटने वाले कार्यक्रम में पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया नाराज हो गए और जनपद पंचायत सीईओ बीएस यादव को जमकर फटकारा। कार्यक्रम में जो पोस्टर लगा था उसमें रामकृष्ण कुसमारिया का की तस्वीर ही नहीं थी। इसे देखने के बाद कुसमारिया भड़क गए। कहाँ है तो तुम्हारे बैनर में नाम है तुम? वो क्या है कि वहीं से बन गया है। तो कहाँ होगा, तुम इतने अलग बनाओ कार्यक्रम हो रहा है, कैसे बन गया उन्हें जो पता नहीं है कि कोको अधिकारी कोको कोको। खबर खंडवा से, जहां जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठगी जाने के बाद महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की मांग की। 15 से ज्यादा लोगों ने प्रशासन के साथ पुलिस को शिकायत की है। इनका आरोप है कि शुभम गवई नाम के युवक ने ठगी की है, जो खुद को कभी कलेक्ट्रेट का बाबू तो कभी एसडीएम तो कभी एडीएम बताता था। आरोप है कि उसने लोगों से किश्तों में 10 से 20 हजार रुपए रख लिए और गायब हो गया। लोगों ने भरोसे में आकर रुपए दे दिए और अब पट्टे नहीं मिलने पर वो शिकायत करने पहुंचे हैं। लोगों ने किस्तों में उनको पैसे दिए 5-5 हजार रुपए करके, तो उन लोगों ने बोला कि बोले ठीक है, बोले 2 महीने में तुम्हारी, 1 महीने में, 15 दिन में बोले बन जाएगी, बोले पट्टा बन जाएगा। तो हम लोगों ने फिर फोन लगाया बाद में उनको, तो बोले कि हाँ, बोले अभी आचार संहिता चल रही है, वो आचार संहिता हट जाएगी उसके बाद में, बोले तुमको, बोले बस 4 दिन में, बोले आई रहूँ मैं, पट्टे दे दूंगा, बोले तुमको, और बोलता कि 5 हजार रुपये और दे दो। मतलब 5 पहले ले लिया था, फिर 5 और मंगा उसने, तो फिर वो 5 हजार भी हमने दे दिए उनको। वो पट्टे के आवेदन दिया था, उस उम्मीद से मैं बैठी थी कि कभी ना कभी तो सुनेंगे सरकार मेरी, तो इस लालच में मैंने वो सामने वालों को पैसा लेने आया तो दे दी। किसको? शुभम गवई बताते हैं उसको। देखिए, अभी ये मामला संज्ञान में आया, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पट्टे दिलाने के नाम पर महिलाओं को ठगी कर रहा है पैसे वैसे लेके। तो देखिए, पहली बात तो ऐसे ठगी और जालसाजी लोगों से सावधान रहना चाहिए, और दूसरा है अगर अभी आया है मामला, हम जांच कराएंगे, अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता है कि जिसने कोई है कि पैसे लेके पट्टे देने की बात कही है और लोगों को भड़का रहा है और पैसे वसूल किए हैं, तो उनके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे।